लोगों की भीड़, साथ में विधायक जी, और इसी बीच एक महिला जड़ देती है जोरदार थप्पड़। जी हाँ, जेजेपी विधायक को एक महिला ने थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह गुला में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे थे। वे वहाँ मौजूद लोगों से बात कर रहे थे, उनकी समस्याएं जान रहे थे, तो तभी एक महिला उन्हें थप्पड़ जड़ देती है। वायरल वीडियो में विधायक लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, तभी एक महिला आती है और उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। महिला फिर गुस्से में विधायक को थप्पड़ जड़ देती है। इस दौरान विधायक के साथ पुलिस भी मौजूद होती है। महिला के थप्पड़ जड़ने के बाद तुरंत पुलिस बीच बचाव में उतर जाती है। इस घटना पर विधायक जी का बयान भी सामने आया है। विधायक ईश्वर सिंह का कहना है कि वो उस महिला के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन नहीं लेंगे, उन्होंने महिला को माफ कर दिया है। सरकारी आंकड़ों की माने तो पंजाब और हरियाणा में बारिश के कारण हुए हादसों में मरने वालों की संख्या 18 हो गई है, जिसमें 7 मौतें हरियाणा में हुई है। हरियाणा की कुछ जगह बाढ़ प्रभावित है। 3 दिन से लगातार बारिश होने के बाद बुधवार को दूसरे दिन अधिकतर जगहों पर मौसम साफ रहा। ये भारी बारिश हरियाणा और पंजाब में अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गई। करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है, लोगों के घर डूब चुके हैं और खेत भी जलमग्न हो गए हैं। अधिकारियों की माने तो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के प्रभावित इलाकों में राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर और स्थायी चिकित्सा शिविर भी स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ तक सेना की मदद से राज्य आपदा प्रबंधन, NDRF और अलग अलग सरकारी विभाग राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। तो इस मामले में हम ये देख सकते हैं कि हरियाणा के देहात में लोगों में काफी विरोध है। लोग जहाँ विरोध जाहिर कर रहे हैं, उनके घर डूब जाने का, उनकी फसल डूब जाने का, उनके पशु बीमार होने का। हालांकि इस बाबत विधायक ये भी कह चुके हैं कि वो महिला पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन इस बाबत सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपका इस पर क्या सोचना रहेगा, राय जरूर रखिएगा। साथ ही 24 घंटे की खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।